गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स में मेनली फोर चीज़ें होती हैं, मीन, मोड, मीडियन, रिलेशन अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। मीन के थ्री मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज सिर्फ हम डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं मीन एक्चुअल में मीन होता है क्या, मीन की डेफिनेशन क्या है। मीन इज द एवरेज ऑफ नंबर्स, ए कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स। मीन क्या होता है, एक सेंट्रल वैल्यू होती है, कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू, इट मींस बीच की वैल्यू होती है, इसे हम अर्थमेटिक एवरेज भी कहते हैं। तो एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है अमंग मीन, मोड एंड मीडियन, क्या होता है, थ्री मीडियन माइनस टू मीन इज इक्वल टू वन मोड। इसको लर्न करने का एक तरीका भी होता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन होता है, मीडियन के सबसे ज़्यादा स्पेलिंग है, तो पहले हम मीडियन लिखेंगे, फिर मीन, टू मीन माइनस इज इक्वल टू वन मोड। तो एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड कर रहे हैं। तीन मेथड होते हैं हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। स्पेशली आपको पेपर में बोला जा सकता है कि इस मेथड से मीन फाइंड कीजिए, तो आज हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है, आपको इंटरवल दिया होगा, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये इंटरवल दिए हुए हैं। ये आपको नंबर ऑफ हाउसेस दिए हुए हैं। ये बता दें कि जो किसी भी चीज़ की संख्या होती है, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ वोमेन्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रिक्वेंसी, उसको हम FI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FI। ये आपको दिया हुआ है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। इसको सबसे पहले हम इसका समेशन करेंगे, समेशन FI। समीशन का मीनिंग है इनका सारों का ऐड करेंगे, तो इन सभी का ऐड किया तो कितना आ गया, 20। उसके बाद हमने क्लास मार्क फाइंड करना है, क्लास मार्क को बोलते हैं XI। क्लास मार्क क्या होता है, जो आपके पास इंटरवल दिया हुआ है, सॉरी 0 से 2, ये लोअर टर्म होती है या अपर टर्म, लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइडेड बाई 2, वो होता है आपके पास XI। तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 1, सिमिलरली 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 3, ये 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ जाएगा, 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ही डिवाइड करना है, क्लास मार्क जब फाइंड करना है 2 से ही डिवाइड करना है, 7। क्लास मार्क आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है, 2 से डिवाइड करते थे, 8 + 10 डिवाइडेड बाई 2 9 आ जाएगा, 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2 11 आ जाएगा, 12 + 14 डिवाइडेड बाई 2 13 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, FI XI की मल्टीप्लाई, 1 1 = 1, 2 3 = 6, 1 5 = 5, 5 7 = 35, 6 9 = 54, 2 11 = 22, 3 13 = 39। फिर हम इनका सम करेंगे, समीशन FI XI, समीशन मीन्स इनका सारों का सम, इन सभी का सम करेंगे तो 162 आ जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है समीशन FI XI, समीशन FI। तीन मेथड होते हैं, तीनों मेथड में अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। जो डायरेक्ट मेथड में मीन का, मीन को XI बार भी लिखते हैं, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो 162 डिवाइडेड बाय 20, 2 के टेबल पे कट कीजिए, 81 डिवाइडेड बाय 10, 81 अपॉन 10 8.1 आ जाएगा, नीचे 10 है तो पीछे से एक्स छोड़ के डेसिमल, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, सॉरी इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, इसमें आपको गिवन मीन गिवन दिया होगा और आपने मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड कर ली होगी। तो वैसे तो कभी भी जब मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी भी उस क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं बोला जाता, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाला क्वेश्चन करना हो मीन के अंदर, तो आप डायरेक्ट मेथड का ही यूज़ कीजिए। जैसे इसमें आपको डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, ये सारे आपको इंटरवल दिए हुए हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जैसे पहले बता दिया कि किसी भी चीज़ की संख्या वो FI होती है, 7, 6, 9, 13, ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी है F, इसको मैंने राउंड अप कर दिया है 5, 4।
तो सबसे पहले इनका हम समीशन करेंगे, इट मींस इनका सम करेंगे सारों का। समीशन है फाइव, फाइव प्लस फॉर नाइन, थर्टीन, नाइन और सिक्स और सेवन, जो मिसिंग है उसको अलग से ऐड करने हैं, ये ध्यान रखना। तो फाइव प्लस फोर प्लस थर्टीन, नाइन प्लस सिक्स प्लस सेवन, 44 हो जाएगा प्लस एफ। उसी तरह से हम क्लास मार्क निकालेंगे एक्स आई, 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2, 12। सिमिलरली 13 प्लस 15, 22 डिवाइडेड बाई 2, 14, 16, सेम 17, 18, 20, 22, 24। इनका ऐड करना है डिवाइड बाई 2। एफ आई एक्स आई करना है 7, 12 7 जार 84, 14 6 जार 84, 19 6 जार 144, 13 18 जार, 13 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे 234, एफ को 20 से करोगे 20 एफ, 5 इंटू 22 110, 4 इंटू 24 196, इन सभी का सम करना है, 20 एफ को अलग से ऐड करने है, ये मिसिंग है ना, इनको अलग से ऐड करेंगे, यानी कि 84 84 144 223 110 96 को ऐड करेंगे तो 752 प्लस 20 एफ। फॉर्मूला वही है डायरेक्ट मेथड में, मीन का सिग्मा एफ आई एफ समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। मीन आपको दिया हुआ है 18, कुछ भी नहीं तो अपॉन 1 लगाएंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये रहा 752 डिवाइडेड बाय प्लस 20 एफ डिवाइड समीशन एफ आई 44 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे तो 752 प्लस 20 एफ, 18 को 44 से भी करना है, 18 को एफ से भी करना है मल्टीप्लाई, 18 को 44 से करेंगे 792, 18 को एफ से करेंगे 18 एफ। एफ वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए, 20 एफ प्लस 18 एफ इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 792 प्लस 752 इधर आकर माइनस का, 2f 40 माइनस करके 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 20 मिसिंग फ्रिक्वेंसी क्या आ गया 20। तो बच्चों इस एक्सरसाइज की मैं आपके अटैच कर दूंगा आपके साथ क्वेश्चन जो आपने करने हैं, ये दो क्वेश्चन भी आपने करने हैं जो मैंने समझाए हैं। अगर आपको कोई इसमें क्यूरी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।